हेलो एवरीवन, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज पावर सप्लाइड बाय द सोर्स एंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर। हमें क्या निकालना, ये सोर्स कितनी एवरेज पावर सप्लाइड करेगा और इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी। तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, इसके अक्रॉस वोल्टेज और करंट। ऐसे ही इसके अक्रॉस मुझे सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज पता और करंट की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या, करंट की वैल्यू निकालना। तो करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये करंट सीरीज सर्किट है तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइव। देखो ये पीक वैल्यू की फॉर्म में, ठीक है, नॉट आरएमएस। जहाँ पे आरएमएस होगा वहाँ पे या तो मेंशन नहीं किया गया होगा या मेंशन किया गया होगा, लेकिन पीक के लिए हमेशा वो मेंशन करेगा। फाइव एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और फोर माइनस जे टू। तो आई इक्वल्स टू कितना आ गया, ये इसको मैं फेजर में चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा 16 प्लस 4 एट एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव साइन, 2/4। तो आई कस टू कितना आ गया, आई आ गया 5 डिवाइड बाय रूट 20, 1.118 एट एन एंगल ऑफ, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10 इनवर्स 0.5 प्लस 30 डिग्री, 56.56 इतने एम्पियर। ठीक है, आई की वैल्यू आ चुकी है। तो मुझे क्या चाहिए, पहले इसके अक्रॉस पावर निकालता हूं मैं। ठीक है, तो पावर सप्लाइड बाय सोर्स कितनी आ जाएगी, एवरेज पावर सप्लाइड बाय सोर्स कितनी होगी, हाफ। ठीक है, वी एम आई एम कोस थीटा। तो वी एम यानी 5, आई एम 1.118 कोस थीटा, थीटा वी माइनस थीटा आई, वोल्टेज का एंगल और माइनस करंट का एंगल। तो वोल्टेज का एंगल 30 डिग्री है माइनस करंट का एंगल 56.56। तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट करके आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 1.118 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 56.56 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 2.5 वॉट। ठीक है, ऐसे ही मुझे इसके अक्रॉस निकालना। मुझे पहले करंट तो मुझे पता है इसके अक्रॉस, ठीक है, कितनी है। इसके अक्रॉस वोल्टेज और निकाल लो, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लो। ठीक है, मैंने कह दिया वो वी आर है। तो वी आर के टू कितना हो जाएगा, आई आर, वी आर के टू आई यानी 4 और आई सॉरी आर आई की वैल्यू कितनी है, 1.118 एट एन एंगल ऑफ 56.56 डिग्री। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4.472 एट एन एंगल ऑफ 56.56 इतने वोल्ट। ठीक है, तो पावर एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर कितनी हो जाएगी, एब्जॉर्ब बाय द रजिस्टर कितनी हो जाएगी, हाफ वी एम। वी एम कितना है इसका, 4.472। करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 1.118 और कोस थीटा वी माइनस थीटा आई, थीटा वी कितना 56.56 माइनस करंट का कितना एंगल था, 56.56। तो इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये कोस जीरो हो जाएगा, कोस जीरो वन, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4.472 मल्टीप्लाई बाय 1.118 डिवाइड बाय 2, 2.5 वॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ, अब ध्यान से देखो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, अब थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज याद रखने को। तो हाँ, यहाँ पे देखो, जब भी थीटा, इसका जो थीटा होगा यहाँ पे रजिस्टर का, वो हमेशा जीरो होगा, यानी वोल्टेज और करंट क्या होंगे, सेम सेम फेज में होंगे। तो इसका तो जीरो होना ही है। नेक्स्ट,
टोटल पावर सप्लाइड कितनी की थी सोर्स ने, 2.5। तो ये 2.5 टोटल किसके अक्रॉस आ गए, रजिस्टर के। इसका मतलब इंडक्टर तो कोई यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है इसके अक्रॉस तो कोई भी पावर एब्जॉर्ब नहीं की जाएगी, यानी जो भी सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर लगा होता है उसके अक्रॉस जीरो एवरेज पावर एब्जॉर्ब की जाती है, ठीक है। तो इतना सब कुछ याद रखना, मैं हर एक पॉइंट बताता जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखते भी जाना, ठीक है। इतना मैंने लिख कर दिया, तो इस वीडियो में इतना ही। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।